हेलो एवरीवन, आज हम आई टैग एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आई टैग एलिमेंट वो होते हैं जो आपके टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा दिखाने का काम करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो आइए हम देखते हैं इसका लेआउट, यानी किस तरीके से हम इसका कोडिंग करेंगे। इसकी कोडिंग हम करेंगे तब हमें वो यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से हमने आई टैग एलिमेंट का एक टैग लगा रखा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका डॉक टाइप दे रखा है। डॉक टाइप यानी वही प्रेजेंट करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो आप यहाँ से डॉक टाइप ले लेते हैं। साथ ही आपने HTML टैग को ओपन किया। यहाँ पे आई टैग के बारे में बताया गया है, एक कमेंट के अंदर कुछ लिखा। द आई टैग एलिमेंट वॉज यूज फॉर प्रेजेंटेशनल पर्पस ओनली IE टू स्टाइल टेक्स्ट इन इटैलिक। आई एलिमेंट का उपयोग प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति के उद्देश्य से किया गया है, यानी इटैलिक में टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए। यानी आई टैग का प्रयोग आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक या तिरछा करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है आपका, जिस टेक्स्ट को भी आप इस तरीके से करना चाहते हैं इटैलिक या तिरछा, जस्ट उसके आगे और जस्ट उसके पीछे इस तरीके से टैग को ओपन करना होता है। तो हमने यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन किया और बॉडी टैग के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखे, कुछ इस तरीके से, दिस इज़ माई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सो हमने क्या किया यहाँ पे, हम चाहते हैं कि जो हमारा ये टेक्स्ट है आई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, हम चाहते हैं ये इटैलिक होकर शो करें। इटैलिक यानी टेक्स्ट थोड़ा तिरछा होकर शो करे। तो हमने यहाँ पे लिखा और साथ में हमने बॉडी टैग को यहाँ पे ओपन किया और उसके साथ यहाँ आकर क्लोज भी किया। HTML टैग को ओपन किया, HTML टैग को क्लोज किया। अभी अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे इटैलिक होकर शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करें, हमने यहाँ पे लिखा इस तरीके से टेक्स्ट लिखा। अभी अगर हम इस पे वेब पेज पे इसको हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पर आकर देखें तो अभी यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया। इस तरीके से हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि इसी टेक्स्ट के समान ये भी हमारा इटैलिक होकर शो करे, यानी तिरछा होकर शो करे, तो फिर से हम अपने टैग के पेज पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जिसको भी आप इसमें करना चाहते हैं इटैलिक फॉर्मेट में, जस्ट उसके आगे और जस्ट उसके पीछे आपको इस तरीके से टैग को ओपन एंड क्लोज करना होता है। तो हम चाहते हैं कि हमें इस टैग को भी ओपन करना है, इसको भी हम इटैलिक में करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आई टैग को ओपन करना होगा इस तरीके से और आई टैग को क्लोज भी करना होगा इस तरीके से और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब अगर हम इसका प्रीव्यू देखें यहाँ पे, तो ये भी आपका इटैलिक होकर शो कर रहा है। बाकी आपके नॉर्मल टेक्स्ट हैं सीधे सीधे शो कर रहे हैं और ये आपका इटैलिक फॉर्मेट में आ रहा है, यानी थोड़े तिरछे होकर कुछ इस तरीके से। तो आई टैग का प्रयोग हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए करते हैं, जैसे हमारा बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड या थिक करता है। स्ट्रॉन्ग टैग भी सेम काम करता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करता है। उसी समान आपका आई टैग जो होता है, आपका आई टैग भी टेक्स्ट को इटैलिक करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम आई टैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इन टैग्स को नोट करें और इनको लगा कर देखें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आज हम EM टैग एलिमेंट के बारे में जानेंगे। EM टैग यानी इम्फेसिस टैग। जैसे इससे पहले वाली क्लास में, पहले की क्लास में आपने आई टैग एलिमेंट को पढ़ा, वही आपका EM टैग भी करता है। यानी जो काम आपका आई टैग करता है वही सेम काम आपका EM टैग भी करता है। EM का फुल फॉर्म होता है इम्फेसिस, यानी इटैलिक करने का काम ये भी करता है। तो आइए हम देखते हैं EM टैग को हम कैसे क्रिएट या कैसे इसकी कोडिंग हम करेंगे। तो हमने पहले से ही यहाँ पे EM टैग का एक स्ट्रक्चर बना रखा है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे
डॉक्यूमेंट टाइप आपका HTML आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर हमने यहाँ पे HTML टैग को ओपन किया। नेक्स्ट कमेंट में हमने EM टैग की एक डेफिनेशन दे रखी है। सबसे पहले द EM एलिमेंट डिफाइन emphasized टेक्स्ट, यानी HTML EM एलिमेंट टेक्स्ट के महत्व को डिफाइन या परिभाषित करता है। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक, अंदर की कंटेंट जितने भी होते हैं वे आमतौर पर या साधारण तौर पर इटैलिक में प्रदर्शित होते हैं या दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉडी टैग को ओपन किया। बॉडी टैग के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट इस तरीके से लिख दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे EM टैग को ओपन किया और हमने इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा Educations। EM टैग को क्लोज किया। यहाँ पे हमने एक Educations के बारे में एक लाइन दे रखा है। Education मोस्ट ऑफ द सेक्टर एक्सेप्ट एग्रीकल्चर विल रिक्वायर मोर स्किल्ड वर्कफोर्स इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स, इस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये टेक्स्ट है Educations, इसको हम चाहते हैं हमें थोड़ा थिक थोड़ा हमें इटैलिक करना थोड़ा। तो जैसे आप आई टैग का प्रयोग किया था आपने इससे पहले के टैग में, अब इसमें भी वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं। बस यहाँ पे टैग का नाम जो है वो आपका बदला हुआ होगा। उसमें आपने आई टैग का प्रयोग किया, इसमें आप EM टैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सेव किया। आप इसका प्रीव्यू यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपने जिस भी टैग्स को इटैलिक किया था यानी तिरछे पर किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। थोड़ा हम इसमें चेंजेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें कुछ और टेक्स्ट को भी इटैलिक करना, तो जिस भी टेक्स्ट को आप करना चाहते हो आपको यहाँ पे वो टेक्स्ट टाइप करना होता है। तो हमने कुछ इस तरीके से 2-3 टेक्स्ट लिखे। इसको सेव करा देंगे। सेव कराने के बाद अब अगर आप इसका प्रीव्यू देखें तो अभी आपको पेज पे रिफ्रेश करना होगा F5 करके। तो इस तरीके से आपको ये शो कर रहा है, जितने भी आपने टेक्स्ट दिए थे इटैलिक के लिए उतने आपको इटैलिक में शो कर रहे हैं, बाकी के जो टेक्स्ट हैं आपके वो आपके नॉर्मल शो कर रहे हैं इस तरीके से। इसमें हम आपको एक और टैग का प्रयोग करना बताएंगे। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो इस टैग के बारे में हम आगे भी जानेंगे। जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हो तो आपके जितने भी टेक्स्ट हैं आपने नोट पैड पर तो इसे अलग अलग लाइंस में लिखा, बट आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सब एक सीधी लाइन में आपको शो कर रहे हैं। आप चाहते हो कि ये ब्रेक हो के नेक्स्ट लाइन में और ये उसकी नेक्स्ट लाइन में शो करे, तो आप एक टैग है आपका VR टैग, तो आप उस टैग का प्रयोग करके लाइन को ब्रेक करा सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको लाइन को ब्रेक करना है उसके आगे आप VR टैग को क्लोज करें, इस तरीके ओपन करें। ये एक ऐसा टैग होता है जो ओपन तो होता है लेकिन क्लोज नहीं होता। तो इस तरीके से हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आके हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को एम्फेसाइज्ड कर सकते हैं, एम्फेसाइज करके उसको इटैलिक में दिखा सकते हैं। तो आप चाहें तो आई टैग का प्रयोग करें या आप चाहें EM टैग का प्रयोग करें, तो ये दोनों जो टैग होते हैं वे एक समान होते हैं, दोनों का काम भी समान रूप से होता है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। तो इस तरीके से आप इन टैग का प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो आप ई टैग लगाएं यहाँ पे, EM लगाएं या फिर आई लगाएं। सो आई होप आपको EM टैग का प्रयोग समझ में आ गया होगा किस लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन को पढ़िएगा और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टैग्स को लगा के देखिएगा। हेलो एवरीवन, आज हम यू टैग एलिमेंट के बारे में जानेंगे। यू टैग एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो कि आपके टेक्स्ट जो आपके मेन हेडिंग्स होते हैं उन्हें अंडरलाइन करने का काम करते हैं।
जैसे आप चाहते हैं जो भी आपकी मेन हेडिंग्स हैं वो कुछ अलग तरीके से यूनिक शो करें, तो आप उसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं या अन्य फॉर्मेटिंग का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो फिलहाल तो हम यहाँ पर अंडरलाइन टैग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अंडरलाइन टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है, कुछ इस तरीके से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पे पहले से एक टैग लगा रखा है हमने नोटपैड पे, हमने नोटपैड को ओपन किया। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप आपका HTML, ये आपको सभी में शो करना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है U टैग का, तो कमेंट में लिख रखा है द यू टैग रिप्रेजेंट सम टेक्स्ट दैट यू स्टाइल्ड डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट, यानी यू टैग कुछ पाठ का प्रतिनिधित्व करता है जो अस्पष्ट और असामान्य है। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड विथ एन अंडरलाइन, जो कि अलग तरीके से स्टाइल किया गया है। यानी अंडरलाइन वे टैग होते हैं जो जिसमें आप जो और सामान्य जो टेक्स्ट होते हैं यानी नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं उनसे अलग प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी हेडिंग को, तो आप यू टैग का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे HTML टैग को ओपन किया, बॉडी टैग को ओपन किया, फिर हमने यहाँ पे टाइटल टैग को ओपन, टाइटल टैग को क्लोज किया। हमने यहाँ पे टाइटल में लिख रखा है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, टाइटल में शो कर रहा है टाइटल बार में। सो हम यहाँ पे टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हैं आप टाइटल को, आप चाहते हैं कि इसकी जगह हम कोई दूसरा टाइटल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इस तरीके से हमने टाइटल दिया, दोबारा से इसको सेव कर लिया। ध्यान रखना आपको कि जो भी आप काम बढ़ाओगे दोबारा से उसको आपको यहाँ पे सेव भी कराना पड़ेगा, यानी जब तक आप उसको यहाँ पे सेव नहीं करा देते हैं वो आपके ब्राउज़र के पेज पे शो नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से किया, लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका टाइटल वही शो कर रहा है, तो हमें इसके लिए पेज को यहाँ से रिफ्रेश करना होगा। आप अपने कीबोर्ड के बटन F5 से भी कर सकते हैं जो कि आपके फंक्शन की में मिल रहा होता है। तो इस तरीके से हमने चेंज कर दिया टाइटल जो वहाँ पर शो कर रहा है। फिर से हम इसी पर आएंगे, तो हमने ये टैग लगा रखा है जो, फिर हमने कहा कि ये जो हमारी मेन हेडिंग है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें हम चाहते हैं कुछ ये मेन हेडिंग है तो थोड़ा अलग से शो करें, तो हमने इसके आगे क्या किया यू टैग को ओपन और क्लोज कर दिया। तो आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, लाइक जैसे आपकी मेन हेडिंग्स होती हैं आप अभी यहाँ पे शो कर रहे हो, हमने दिया कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मेन हेडिंग है तो कुछ इस तरीके से अंडरलाइन होकर शो कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ और चेंजेस करने हैं, कोई टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करना चाहें, तो हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया। तो हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग दिए लाइक डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट हो गया, ये हम चाहते हैं इसको सेव कर देना है। यहाँ से आके सेव करने के बाद यहाँ पे आके आप इसको कर देंगे रिफ्रेश, तो आप देखेंगे आपने जितनी भी हेडिंग्स लिखी थी यू टैग के अंदर एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके वे सभी हेडिंग आपकी एक अलग तरीके से शो कर रहे हैं, यानी ये सामान्य टेक्स्ट, ये नॉर्मल आपके साधारण टेक्स्ट हैं, और ये आप देख सकते हैं यूनिक शो कर रहे हैं क्योंकि इसके नीचे आपने अंडरलाइन कर रखा है इस तरीके से। तो आप यू टैग का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी मेन हेडिंग या किसी भी टाइटल हेडिंग को अंडरलाइन करके शो करने के लिए। सो इन टैग्स को समझ के आप एक एक करके लगाकर जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, आज हम स्ट्राइक थ्रू एलिमेंट के बारे में जानेंगे। स्ट्राइक थ्रू एलिमेंट का प्रयोग करके आप ऐसी हेडिंग्स या कोई आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है आप उसमें बीच से एक लाइन करके उसको कट करना चाहते हैं, जैसे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है या कोई सेंटेंस आपसे गलत टाइप हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं उसको एक लाइन इस तरीके से बीच से करके कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्राइक थ्रू के टैग के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए हम यहाँ पर टैग को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर यह टैग लगा रखा है डॉक टाइप HTML, नेक्स्ट ये कमेंट दे रखा है हमने द
एस एलिमेंट रेंडर्ड टेक्स्ट विद अ स्ट्राइक थ्रू और अलाइन थ्रू इट. इट यूज द एस एलिमेंट टू रिप्रेजेंट थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर रिलेवेंट और नो लॉन्गर एक्यूरेट. यानी एसटीएमएल तत्व टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू या इसके माध्यम एक रेखा के साथ प्रस्तुत करता है या उन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है जो तत्व आपके उपयोग में नहीं है या सटीक नहीं है. इसके लिए आप स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं. सो हमने यहाँ पे इस तरीके से समझाया है, यानी वे टेक्स्ट जो आपके उपयोग में नहीं है या आपसे गलत टाइप हो गया है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक लाइन में शो उसको हटा सकते हैं. इसमें आप चाहे तो कोई टेक्स्ट मेंशन करना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा स्पेलिंग आपकी मिस्टेक, आप चाहते हैं कि इसमें भी हमें स्ट्राइक थ्रू टैग लगाना है तो आपको इसके आगे स्ट्राइक टैग को ओपन करना है और क्लोज भी. हमने ओपन किया क्योंकि ये हमारी स्पेलिंग गलत है, क्योंकि जो कंप्यूटर की स्पेलिंग हमारी होती है वो सी ओ एम पी यू टी ई आर होता है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग गलत लिख दिया. इसको हम सेव करा देते हैं और पेज पे आके रिफ्रेश कर देंगे. आप देखेंगे यहाँ पे जो भी स्पेलिंग आपकी गलत थी उसमें आपने एक इस तरीके से लाइन कट कर दिया जो ये प्रेजेंट करेगा, जो ये शो करेगा कि आपकी ये स्पेलिंग गलत है. तो इस तरीके से हमने एक और एग्जांपल दे लिया है. फिलहाल तो आप इसके साथ भी काम कर सकते थे. ये हमने पी टैग को ओपन किया, उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज़ एन डॉक्यूमेंट. यहाँ पे क्या है, हमारी ग्रामर मिस्टेक है, हम एन जो है उसको हम हटाना चाहते हैं क्योंकि ये स्पेलिंग सेंटेंस जो है वो गलत हो रहा है. तो हम यहाँ पे इसको कट करना चाहते हैं, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा इसको स्पेलिंग को कट करना है तो उसके आगे ओपन किया, उसके पीछे भी क्लोज किया. वैसे ही आप चाहते हो कि इस सेंटेंस को हमें कट करना है तो जस्ट उसके आगे और जस्ट उसके पीछे आपको इस स्ट्राइक टैग को ओपन और उसके साथ ही आपको क्लोज भी करना होगा. जब आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ वो इस तरीके से शो करेगा आपको. यहाँ पे ये कट होके आपको दिख रहा है. या अगर आप कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कुछ और टेक्स्ट में भी करना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हमने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दिया इस तरीके से, हम चाहते हैं कि हमें इसको भी कट करना है क्योंकि दिस स्पेलिंग आर मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग हमने गलत लिखा हुआ. सो आप चाहें तो यहाँ पे अब इसको अपडेट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन स्ट्राइक थ्रू टैग को यहाँ पे आपने क्लोज नहीं किया, जस्ट उसके आगे जस्ट उसके पीछे, इसीलिए आपका ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा. स्पेस को ध्यान रखना है और आप इसको सेव करेंगे. यहाँ से सेव करने के बाद जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये लग कर आ जाता है. ये सब लगाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है. तो आप इसको नहीं भी लगाते हैं तो भी आपके पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपको केवल स्ट्राइक टैग को ओपन और स्ट्राइक थ्रू टैग को क्लोज भी करना होगा. इस तरीके से लग के आएगा. तो आप यहाँ पे स्ट्राइक टैग का उपयोग कर सकते हैं जब भी आपकी कोई स्पेलिंग गलत होती है या स्पेलिंग या ग्रामर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको वहाँ से कट कर सकते हैं एक बीच से लाइन में. जैसे हम एक काम करते हैं उसे इरेज कर देना या उसको मार्क कर देना, किसी तरीके से भी, हल कई तरीके से आप उसको कर सकते हैं. लेकिन आप स्ट्राइक थ्रू का भी प्रयोग कर सकते हैं. आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक होगी जो आप उसमें नहीं शो करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एक स्ट्राइक की लाइन कर देते हैं तो जो ये प्रेजेंट करता है कि ये मैटर गलत है, हमारे उपयोग में नहीं है.
तो आप स्टैक थ्रो का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। सो कई सारे स्पेलिंग के साथ हम इसका काम कर सकते हैं, जैसे हम चेंजेस करना चाहते हैं। सो आपको पेज टैग को ओपन करना होता है। अब इसमें जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें, हमने लिखा डिसीजन बुक इस तरीके से। अब आप चाहते हैं, यहाँ पे हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसमें हम लगाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे स्ट्राइक टैग को ओपन करना होगा इस तरीके से, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे इसकी एंगुलर ब्रैकेट के साथ हम इसको क्लोज करेंगे, क्लोज सेव कर लेते हैं हम इसको। सेव करने के बाद आप इसको यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे, इस तरीके से लग के आ जाता है। तो आप इस तरीके से कोई भी स्पेलिंग आपकी गलत हो रही है तो आप उसको इस स्ट्राइक थ्रो से कट करके या एक लाइन के थ्रू आप शो कर सकते हैं। तो इसके परिभाषा को समझें, जो भी आपके यूज़फुल में नहीं होते हैं या जो मतलब कि स्पेलिंग्स नहीं होती हैं या वर्क नहीं होता है, तो आप उसको कट करके यहाँ से शो कर सकते हैं। सो आई होप आपको स्ट्राइक थ्रो टैग समझ में आ गया होगा। तो आप इन टैग्स को लगाएं, और ये ध्यान रखना है कि जो भी टैग जिस भी सेंटेंस में आप वो चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक आप इस टैग्स को कट करना चाहते हैं, तो जस्ट उसके आगे और जस्ट पीछे टैग को क्लोज करना होता है। सेम प्रोसेस आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, जहाँ पे भी जिस पे भी वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है या जिस टेक्स्ट पे भी आप वो चाहते हो उसके जस्ट आगे और जस्ट पीछे आपको टैग को ओपन और क्लोज करना होता है। सो इस तरीके से आप टैग्स को लगाकर देखें। हेलो एवरीवन, आज हम फॉन्ट टैग एलिमेंट में फॉन्ट फेस टैग के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने फॉन्ट साइज के बारे में पढ़ा, फॉन्ट कलर के बारे में पढ़ा, आज हम फॉन्ट फेस टैग के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर आप फेस टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट फेस चेंज करना चाहते हैं, तो आप फॉन्ट फेस टैग का प्रयोग कर सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं हम फॉन्ट टैग का प्रयोग और फॉन्ट का फेस कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपने कोडिंग को ओपन कर लेते हैं जो हमने इससे पहले कर रखा है। तो यहाँ पे आपको डॉक टाइप HTML ये आपने शो किया, आपका डॉक्यूमेंट टाइप कैसा है HTML का, हमने यहाँ पे ये शो कर दिया। HTML टैग को ओपन किया और हेड टैग को ओपन किया, उसके अंदर हमने ये कमेंट लिखा, फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द फॉन्ट फैमिली ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड फॉन्ट एलिमेंट। फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट का उपयोग टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट तत्व के फॉन्ट फैमिली को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी फॉन्ट फेस, यानी फॉन्ट फेस जो होते हैं वो किसी भी टेक्स्ट के अंदर के स्ट्रक्चर, किसी भी फॉन्ट को चेंज करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस टैग का जो प्रयोग करेंगे वो उसका फेस चेंज करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। तो इसमें हमने फॉन्ट टैग को ओपन किया और साइज़ भी हमने ले लिया, फॉन्ट की साइज़ आप कितना लेना चाहते हो, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके फॉन्ट टैग को ओपन किया और साथ में हमने साइज़ को यहाँ पे लिख दिया, साइज़ आप कितना लेना चाहते हो। हमने फेस जो है 5 रखा, साइज़ जो है 5 रखा, फेस यानी फॉन्ट कौन सा रखना है, यहाँ पे ये फॉन्ट दे रखा है आपका। अब जैसे ये फॉन्ट का नाम है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं यहाँ पे जो फॉन्ट अभी फ़िलहाल हम देखें, इसको सेव करें, तो वो इस तरीके से शो कर रहा है। आप चाहते हैं कि फॉन्ट फेस हमें कुछ दूसरा करना है यहाँ पे, लाइक एरियल या फिर एरियल ब्लैक या कोई और देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देना है एरियल ब्लैक, तो हमने यहाँ पे दिया एरियल और ब्लैक। इससे क्या होगा, ये जो फॉन्ट है वो थिक दिखाने का करता है थोड़ा, फॉन्ट स्टाइल सेव करेंगे और यहाँ पे आके कर देंगे रिफ्रेश। अब देखिए ये एरियल में आ रहा है और कैसे आ रहा है, ब्लैक कलर एकदम थिक होकर आ रहा है इस तरीके से। तो फिर अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरा कलर चाहते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे एरियल केवल रखा, तो एरियल में तो आपको ये नॉर्मल भी दे रखा है, तो इस तरीके से जैसा भी रखना है। जैसे हम इसका फॉन्ट फेस अगर ले लेते हैं 4, फॉन्ट फेस रख दिया हमने, इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश कर देंगे, तो इसका फेस इस तरीके से होगा। फिर से अगर आप इस पे आएँ तो यहाँ पे आके
हमने यहाँ पे एक दूसरा भी टेक्स्ट लिख रखा है, दिस इज़ माय न्यू डॉक्यूमेंट। इसका फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके फॉन्ट फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स दे रखे होते हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये टेक्स्ट लिखा और HTML टैग को क्लोज किया। अब यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज भी आप कर सकते हैं। सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे आके कर देंगे रिफ्रेश। तो इस तरीके से जो भी चेंजेस आपने यहाँ पे किया, आपने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट को चेंज किया, फॉन्ट के फेस को दिखाया, वो आपका यहाँ पे अपडेट होकर आया। फिर आपने यहाँ पे इस फॉन्ट के साइज़ को और फेस को दिखाया, जो कि आपका ये शो कर रहा है इस तरीके से। अगर आप और कुछ देना चाहते हैं, कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इस पर क्लिक करना है, कोई टेक्स्ट में यानी साइज़ वगैरह चेंज करना है, इसकी साइज़ अगर आप देना चाहें 7 साइज़ आप दे सकते हैं, या फॉन्ट अगर कोई दूसरा देना चाहते हैं तो आप फॉन्ट भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें आपने फॉन्ट साइज़ को भी यूज़ किया और आपने फॉन्ट फेस का भी प्रयोग किया। तो आप फॉन्ट टैग एलिमेंट में कई सारे टैग के बारे में आपने जाना, जैसे कि आप फॉन्ट साइज़ को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप किसी हेडिंग को थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। इसके बाद आपने फॉन्ट कलर के बारे में जाना, फॉन्ट का कलर आप कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में आपने उसमें जाना। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जाना फॉन्ट फेस यानी फॉन्ट स्टाइल। आप फॉन्ट फैमिली में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे फॉन्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, एरियल हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, या बोल्ड प्लस इटालिक हो गया। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ अपने टैगिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आप लेना चाहें। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट लगा रखा है, एरियल ब्लैक हो गया या फिर एरियल हो गया, ऐसे कई सारे फॉन्ट्स होते हैं जिनको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनमें फॉन्ट साइज़, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर को आप चेंजेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको फॉन्ट एलिमेंट के सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, सभी टैग्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे भी वही रहेगा, जिस टैग के भी आगे आप लगाना चाहते हैं, जैसे तो यहाँ पे आपको पूरा पूरा ये ओपन करना है, फिर वो टेक्स्ट लिखना है और लास्ट में आपको फॉन्ट टैग को कर देना है क्लोज। सेम प्रोसेस, ओपन करना है और लास्ट में आपको क्लोज कर देना है। जैसा भी आप लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे करना होता है। अब यहाँ पे जैसे आपने फॉन्ट टैग को यहाँ पे क्लोज किया, तो उसको आप यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप जैसा भी देंगे, साइज़ जैसा देंगे, कलर जैसा देंगे, वो सारा आपका यहाँ पे शो करेगा इस तरीके से। आपको इसको रिफ्रेश करने के लिए आप या तो F5 कर दीजिए, या फिर यहाँ पे आपको ऊपर भी दे रखा होता है, यहाँ से भी आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं इस तरीके से। सो आई होप आपको फॉन्ट के सभी एलिमेंट्स, सभी टैग्स आपको समझ में आ गए होंगे।